आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इस बार यदि कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करने के साथ बिजली बिल भी माफ किया जाएगा। सिंधिया मुंगावली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। मुंगावली विधानसभा में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में इलाके का दौरा कर आम सभा को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार यदि कांग्रेस की सरकार आई तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, उसके साथ ही बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। मैंने संकल्प लिया है 6 जून 2017 से कि जब तक इस भाजपा की सरकार को हम उखाड़ के ना फेंके तब तक मैं फूल की माला नहीं पहनूंगा। लोग मुझे सूत की माला पहना रहे हैं, कोई मुझे पान के पत्ते की माला पहना रहा है, कोई मुझे सब्जी की माला पहना रहा है, कोई मुझे फलों की माला पहना रहा है, कोई मुझे मिर्ची की माला पहना रहा है। मिर्ची की माला तो मैं पहन रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची तो शिवराज सिंह जी को लग रही है। सिंधिया ने कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह यादव को जिताने का आग्रह आम लोगों से किया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के जमाने में आए दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि आपने मामा के इतिहास के बारे में तो सुना ही होगा। एक कंस मामा थे जो अपने ही भांजे को मारना चाहते थे और कलयुग के मामा शिवराज हैं जो मध्य प्रदेश को ढहाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।